किसी के पास जाओ बताओ, वो दारू पिला कर बेटा, दारू पियो तुम, छह महीने दारू पियो बेटा। भाई किसी के पास जाओगे तो मैं गलत मंत्र दे रहा हूँ, मैं ये करते रहूँ तो छह महीने बाद आओगे कहेगा अभी जो है 10 लाख रुपये लेके आओ, 5 लाख रुपये लेके आओ। तो वो रिगड़ता है। गुरु और शिष्य परंपरा में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही गुरु के पास आप जाएं गुरु रिगड़ना चालू कर देगा। तो सबसे पहले अगर किसी को साधना करनी है तो अपने गुरु के नाम को जपो, गुरु की आराधना करो, गुरु के मंत्र का जाप करो, गुरु की उपासना करो, गुरु को रिझाओ और गुरु को भजो, क्योंकि एक्चुअली में वही है जो आपको आगे करेगा किसी साधना मार्ग में। क्योंकि आपकी अगर बुद्धि होती तो आप अभी बैठे बैठे हो गए होते सारी शक्तियों के मालिक। नहीं हुए इसका अर्थ यह है कि आप अभी चल रहे हो, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है कि चलने जैसी भी कोई चीज़ होती है, फिर उसकी मालिश करी जाती है, हाथ पर चलाना सीखता है, फिर पेट के बल, फिर घुटने के बल, फिर लड़खड़ाता हुआ चलता, फिर उंगली पकड़ता हुआ चलता, फिर दौड़ता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही साधक का भी होता है कि साधक को पहले जब गुरु दीक्षा देता है तो उसके अंदर थोड़ी सी चेतना जागृत करता है, कुछ प्राण जागृत करता है, ऊर्जा प्रदान करता है कि कहीं किसी दिशा में वो बढ़ सके, कोई उसका आधार तो बन सके। लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई भी YouTube पे देख के साधक और साधनाएं कर रहा है तो उसको ऐसा ज्ञान मिल जाए कि चलो एक और वीडियो आ गया इसमें देखते हैं कि कौन सी साधना पहले करी जाए, तो वो बहुत मतलब झूठ बात हो जाएगी। वो ऐसी कोई साधना नहीं है कि हम बता सकें कि पहले आप ये वाली साधना करो, फिर दूसरी साधना करो, फिर तीसरी साधना करो। लेकिन क्योंकि हर तरीके का एंटरटेनमेंट लोग चाहते हैं, तो आपके जो प्रश्न है उस तरीके का एंटरटेनमेंट भी लोग चाहते हैं, तो उस एंटरटेनमेंट को शांत करने के लिए ये कहा जा सकता है कि भैया सबसे पहले आप गुरु ढूंढो, ठीक, और अपनी बुद्धि से मत ढूंढो कि किसी ने अगर विवेकानंद को गुरु बना दिया है, किसी ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बना लिया है, अपने आत्मा से उनकी वीडियो, उनके गुरुओं की पुस्तकें पढ़ के, तो उनको ये नहीं करना चाहिए कि उसको कंपेयर करके फिर दूसरे गुरु को ढूंढे, उसको दिल में बसा के फिर दूसरे गुरु को ढूंढे, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, कभी किसी गुरु को नहीं तलाश पाएगा। तो अब उसमें जब कोई साधक के अंदर जिज्ञासा उठती है कि मुझे, क्योंकि देखो धक्का तो ईश्वर का ही होता है, और जब वो धक्का इतने गहरे में आ रहा था उसको कोई भाषा पता नहीं होती है कि ये जो धक्के की भाषा है वो क्या होती है, तो वो फिर भटकता है, किसी दुर्गा की साधना करेगा, कोई किसी की साधना करेगा, तो उसमें फिर विकृति आना शुरू होती है क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है। तो जब साधक गुरु को भजता है या गुरु को ढूंढता है या गुरु को तलाश करता है, तो पहले तो वो बिल्कुल बुद्धि को हटा के हृदय भाव से झुक के पूरा समर्पित हो जाए सदैव के लिए, क्योंकि गुरु को सामान्य चीज़ होता नहीं है। भिन्न भिन्न एंगल से आपके जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस पर चोट मारता हुआ रहेगा बार बार, वो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं तो इन वासनाओं को लेके आ रहा था इन साधनाओं को करने के लिए, लेकिन मेरी उन्हीं सब चीज़ों पर चोट पड़ रही है, तो ये कैसे गुरु हो सकते हैं। तो हर गुरु के अलग पैटर्न होते हैं, हर गुरु का अपना अलग ढंग होता है सिखाने का। किसी के पास जाओगे तो आपको दारू पिलाता रहेगा, बेटा दारू पियो अभी तुम, 6 महीने दारू पियो बेटा पहले के। किसी के पास जाओगे तो मैं गलत मंत्र दे देगा, कहेगा अभी ये करते रहो, फिर 6 महीने बाद आओगे कहेगा अभी जो है 10 लाख रुपये लेके आओ, 5 लाख रुपये लेके आओ। तो वो रिगड़ता है। गुरु और शिष्य परंपरा में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही गुरु के पास आप जाएंगे गुरु रिगड़ना चालू कर देगा, और जैसे रिगड़ेगा तो तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी आज के साधक को कि मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी तो बैंड बजा रखी है, मुझे समझते ही नहीं है। भैया तुम्हें समझने के लिए तो तुम गुरु के पास थोड़ा ना आए, तुम कहीं जाना चाहते थे इसलिए तुमने कटोरा रखा कि मुझे भीख चाहिए।
सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। टू टॉक टू गुरुदेव जी, ओपन गूगल प्ले स्टोर नाउ, सर्च कॉल मी फॉर एप्लीकेशन एंड डाउनलोड इट नाउ, रजिस्टर योर प्रोफाइल एंड रिचार्ज इट नाउ, सर्च फॉर श्री तारामणि जी एंड डायरेक्टली टॉक टू गुरुदेव जी एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम।